Hey guys, good morning. Welcome to Wi-Fi Study Defense Exams. Yeah, with Sunil sir, the unbreakable bonding, you know, between like-minded people, and I hope you understood we are some of them, you know, that we'll be getting. Sunil sir, Unacademy पे हैं Sunil Kumar के नाम से कहने की जरूरत नहीं है. शानदार, आप आ रहे हो regular, लगातार, है ना? Event है, article का session है आज. आज आर्टिकल का सेशन है, आर्टिकल का सेशन एग्जैक्टली, है ना? कितनी बजे है पता है आपको? 3 PM आर्टिकल का सेशन है मेरा 3 बजे, तो आपको 3 बजे उस सेशन पे जरूर से प्रेजेंट रहना है, ठीक है? और मैं मिलूंगा आपको वहां पे 3 बजे, बहुत शानदार आर्टिकल पढ़ाऊंगा आपको, ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो आपने शायद जिंदगी में कभी नहीं किए होंगे, ठीक है ना? और इसके बाद में एक और सेशन आएगा मेरा, आपको ध्यान हो तो, कौन सा? ये वाला 72 रूल्स इन, है ना, कंप्लीट इंग्लिश. ये 12 सेशन में कंप्लीट होगा, 12 सेशंस में. हर सेशंस में क्या होंगे दोस्तों? 6 रूल्स मैं करवाऊंगा, हर सेशन में 6 रूल कराऊंगा, तो आपके टोटल 72 रूल्स जो आपके 12 क्लास में खत्म हो जाएंगे एक एक घंटे के में, विद एग्जांपल्स एंड टीचिंग पॉइंट्स इंग्लिश स्पेशल. तो इसका ध्यान रखेंगे आप. कहाँ होगा ये कोर्स? उत्तर अनअकैडमी पर, अनअकैडमी पर. स्पेशल सेशन सेशन होगा, है ना? स्पेशल सेशन में आप सुनील सर को सर्च करेंगे, एम आई राइट? और सुनील सर आपके सामने होंगे, ठीक है दोस्तों? लॉन्च किया हुआ है 2 नया चैनल, डिफेंस एग्जाम और ये पुराना डिफेंस अपना लाइव टेस्ट, इसको आप लगातार करते रहेंगे. फिलर्स वॉल्यूम 1 पे चलते हैं अपन. किस पे? वॉल्यूम 1 पे. वॉल्यूम 1 पे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं फिलर्स की जब भी सीरीज आता हूँ डिफेंस एग्जाम में, तो मैं अलग अलग लेके आता हूँ, तो सब पे अलग अलग करवाता हूँ मैं, ठीक है ना? तो उसका थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? ओके, आइए सीधे क्वेश्चन पे. पहला क्वेश्चन, ऑफ पीपल कम हियर टू गॉसिप, ऑफ पीपल कम हियर टू गॉसिप. फ्यू के बाद ऑफ नहीं आएगा, मोस्ट के बाद ऑफ नहीं आएगा. लॉट, पीपल की वजह से लॉट्स होगा तो वो गलत हो जाएगा. बचा क्या? अलॉट, राइट? जब इंसानों की अधिकता बतानी हो, अलॉट ऑफ पीपल कम हियर टू गॉसिप. यहाँ बहुत से लोग केवल बकवास करने आते हैं. बहुत से लोग यहाँ पर, बहुत से लोग केवल बकवास करने आते हैं. A lot of people, ठीक है? ये स्पेलिंग देख लीजिएगा, A lot of people come here. A lot of, सही जवाब क्या हो गया दोस्तों आपका? फिल इन द ब्लैंक्स में A हो गया, राइट? ठीक है, डू कॉन्ग्रेचुलेट हिम, क्या आएगा? फॉर कर दूं, डू कॉन्ग्रेचुलेट हिम फॉर. आप क्या करना चाहते थे? ऑन करना चाहते थे, क्योंकि आपको कॉन्ग्रेचुलेट के बाद ऑन लेने की आदत है. लेकिन ऑन तब लेते जब आगे सक्सेस या कुछ और होता. आगे यहां क्या है? बंदा है. इसका मतलब ये क्या है? सब्जेक्ट है. ही डिजर्व्स इट. डिजर्व क्या है? वर्ब है. इट क्या है? ऑब्जेक्ट है. इसका मतलब यहां जो आएगा वो क्या आएगा? कंजंक्शन आएगा. उसको कॉन्ग्रेचुलेट जरूर करना है क्योंकि वो डिजर्व करता है, जिसका अर्थ है बिकॉज, बिकॉज ही डिजर्व्स इट. और कल ही पढ़ा के गया हूं अनअकैडमी पे, बिकॉज यहां है नहीं तो फॉर आएगा. हमें इन नहीं लेना. दो कंजंक्शन है और फॉर कंजंक्शन है. दो आएगा नहीं, क्यों? क्योंकि ये अगेंस्ट में होता है. सफलता के अगेंस्ट में कॉन्ग्रेचुलेट नहीं कर सकते, सफलता के लिए कॉन्ग्रेचुलेट कर सकते हैं. तो अगेंस्ट का कंजंक्शन यहां आएगा नहीं, तो अब आपके पास कोई उपाय नहीं है. सही जवाब है क्या? ए फॉर अहमदाबाद. कैसा रहा ये क्वेश्चन? आपने तो ऑन सोच लिया था ना. देखो कई बार हम देखते ही नहीं है, ये आपने ऑन सोचा, ये ऑन आपको दिख गया, लेकिन होगा नहीं, होगा फॉर. और हम जल्दी से करके निकल जाएंगे तो गड़बड़ी हो जाएगी. ही इज डैस ऑन द टॉप ऑफ द क्लास. ही इज ऑन द टॉप ऑफ द क्लास. ऑन द टॉप, ऑन द टॉप ऑफ द क्लास. अब आप की कैसे बोलोगे, कैसे बोलोगे ऑन द टॉप ऑफ द क्लास? भाई समझने की कोशिश करना. जब आप कोई ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड होता है ना, ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड तब आता है, राइट? ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड. हम यहां क्या कर रहे हैं? हम किसी भी चीज का अगर टॉप करेंगे, जब ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, ऑन द टॉप ऑफ द क्लास, ऑन द टॉप ऑफ द होराइजन हो जाए, टॉप ऑफ हिज,
ऑन द टॉप ऑफ हिज लाइफ हो जाए. टॉप को हमको नेचुरली फिर किससे ही लेना पड़ेगा, ऑन से ही लेना पड़ेगा. ठीक है. टेलिंग ए स्मॉल लाइ समटाइम्स एनेबल्स वन टू अवॉइड. कभी कभार छोटा झूठ बोल देने से किसी को हम अवॉइड कर सकते हैं. अवॉइड के बाद में जो भी वर्ब आएगी वो हमेशा क्या आएगी, जीरेंड होगी. अवॉइड हर्टिंग. ठीक है. अवॉइड हर्टिंग अनदर्स फीलिंग्स. राइट. ठीक है. तो इस पोर्शन में ही जाएगी. या इसको आप पार्टिसिपल भी कह सकते हैं. प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में, प्योर पार्टिसिपल नहीं है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का फॉर्म है प्रेजेंट पार्टिसिपल. राइट. प्योर जीरेंड नहीं भी हो सकती है यहां पे. ये डिपेंड करेगा कि आप इसके आगे दूसरे क्लॉजेज आ रहे हैं तो उसको आप अवॉइड करोगे. अवॉइड हर्टिंग फीलिंग है ना, तो फीलिंग को हम ना तो हार्मिंग कर सकते हैं ना स्टॉपिंग कर सकते हैं. नथिंग तो ऐसे भी नहीं आएगा. अवॉइड हर्टिंग अनदर्स फीलिंग. सही जवाब आपका ए फॉर अहमदाबाद. आई होप यू अंडरस्टूड. वी शुड नॉट लाफ एट है, वी शुड नॉट लाफ एट फिजिकली चैलेंज पीपल. ठीक है. ये फिक्स है, लाफ एट फिजिकली चैलेंज पीपल. ये फिक्स प्रीपोजिशन आता है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन के रूप में इसको हम यूज कर सकते हैं. मॉर्निंग सेशन 11 इंडियन एयरफोर्स और नेवी एग्जाम में आप सुनील सर के साथ जुड़े हुए हैं. इफ स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी मेजर्स वर टेकन द ट्रेजेडी माइट हैव बीन. इफ स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी मेजर्स वर टेकन द ट्रेजेडी माइट हैव बीन. ट्रेजेडी क्या होती है? हादसे टाले जा सकते हैं, टाले जा सकते हैं. टालना क्रिया, टाले जा सकते थे हादसा. ये सिंगल टेंस में टाला जा सकता था, टाला क्योंकि एक वचन है. एवर्टेड होगा. इसे नियंत्रित करना, ये भी नियंत्रित करना, इसको बांधकर नियंत्रित करना, इसको परिवेश में नियंत्रित करना, इसको हटा देना. एवर्ट. सही जवाब है द ट्रेजेडी माइट हैव बीन एवर्टेड. सही जवाब है डी पार्ट में एरर है. द डिसीज लेफ्ट डैश्ड हिम टू यंग चिल्ड्रन. दोस्तों जब भी कोई मृतक होता है वो अपने पीछे विधवा और दो बच्चे छोड़ गया. अपने पीछे लेफ्ट बिहाइंड. दोस्तों एक फ्रेजल वर्ब है, बिहाइंड दिया हुआ ना ये रहा. दोस्तों एक फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल वर्ब. राइट. उसका नाम है लीव प्लस बिहाइंड. राइट. इसका मतलब है मौत के बाद ही हो सकता है ये लीव बिहाइंड और इसको हम यूज कर सकते हैं. लेकिन दिक्कत यह कि यहां पर मृतक की घोषणा हो जानी चाहिए, नहीं तो लीव बिहाइंड का मतलब पीछे रह जाना भी हो सकता है ना. तो उस चीज का ध्यान रखेंगे. तो सही जवाब क्या हुआ दोस्तों? सही जवाब आपका हुआ सी फॉर चंडीगढ़. द स्टेच्यू डैस अ गोल्डन सॉरी द स्टेच्यू डैस अ ग्लोबल सिंबल ऑफ फ्रीडम. वैश्विक प्रतीक चिन्ह है, विश्व की आजादी का एक वैश्विक है ये मूर्ति जो है वो एक आजादी का एक वैश्विक प्रतीक चिन्ह है. स्टैच्यू इसका मतलब है इसमें तुलना हो रही है, तुलना में एज आता है, स्टैंड्स एज. द स्टैच्यू स्टैंड्स एज द गोल्डन सिंबल. सही जवाब है बी फॉर बॉम्बे. आपको ये ना लगे कि सर आप क्यों कर रहे हो. देखो ये एक सीखने की क्लास है, टीचर का सुनते जाओ और सीखते जाओ. आपको जितनी पंचायती करनी है, जितने भी वो 5:30 बजे आपका टेस्ट होता है उसमें करो. इसमें सुनो और सीखो, बस केवल हेडफोन लगा लो और कुछ नहीं करना है ना. द चाइल्ड इज द फ्यूचर ऑफ ए फैमिली. द चाइल्ड इज द फ्यूचर ऑफ ए फैमिली. एक बच्चा जो है चाइल्ड वो परिवार का और साथ ही साथ राष्ट्र का एज वेल एज ऑफ ए नेशन. बी फॉर बॉम्बे. अ चाइल्ड इज द फ्यूचर ऑफ ए फैमिली एज वेल एज ऑफ ए नेशन. द ह्यूमन माइंड सीम्स टू हैव बिल्ट इन अगेंस्ट
इंटरेस्ट के साथ अगेंस्ट आएगा नहीं, सेफगार्ड आइडिया ये हो गया, ये देखो ये इसके साथ मिल गया, क्यों प्रेजुडाइजेस के साथ में प्लस पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव नहीं प्रेजुडिस के साथ में नेगेटिव होना चाहिए, और यहां पर ये देखो अगेंस्ट दिया हुआ है। मानव के मस्तिष्क में जो है हमेशा से ही दुर्भावना भरी पड़ी है शुरू से, है ना, तो प्रेजुडिस हो गया, है ना, प्रेजुडिस, ठीक है। प्रेजुडिस को अपन किस पार्ट में ले जाएंगे, सी पार्ट में एरर हो गई, प्रेजुडिस अगेंस्ट, है ना, बनी बनाई रटी रटाई, है ना, दुर्भावना, इसकी हिंदी बता देता हूं आपको, दुर्भावना, राइट, ये हो गई। सत्यजीत रेज फिल्म्स डैश ऑल बैरियर्स ऑफ कास्ट क्रीड एंड रिलीजन, दे आर यूनिवर्सल यूनिवर्सल। सत्यजीत राय की फिल्में सभी प्रकार के जाति धर्म संप्रदाय मजहब से हैं और वो वैश्विक हैं, ट्रांसेंड प्लूरल है, ये सिंगुलर है, ये कुछ नहीं होता, ये कुछ नहीं होता, इसमें प्लूरल है, ये क्या है फिल्म्स एस लगा हुआ है तो ये भी प्लूरल है। ऊपर उठना, ऊपर उठी हुई, सत्यजीत राय की फिल्में जो है वो जाति धर्म और मजहब से ऊपर उठ के है, है ना, और ठीक है, और वो यूनिवर्सल है। आई कुड हार्डली रिकॉग्नाइज हिम, मैंने शायद ही उसे पहचाना, बड़ी मुश्किल से उसे पहचाना, उसको देखा, उसको देखा मतलब ये आपके देखने की टाइम है, और टाइम के क्लॉज हमेशा किससे होते हैं, या तो वेन से या वाइल से, वाइल लगेगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये वी प्लस आईएनजी वर्ब के साथ लगता है, यहां पर वेन है, ये रहा, आई कुड हार्डली रिकॉग्नाइज वेन आई वेन सॉ हिम, राइट, ठीक है, आई का एपिलेप्सिस हो गया यहां पे, वेन आई सॉ हिम, सही जवाब है डी फॉर देहरादून, या आई को लगा लेंगे अपन, ये अंडरस्टूड है, ब्रैकेट में रख लेते हैं, व्हेन आई सॉ हिम। मिस्टर मुर्गन हैज बीन इन दिस कॉलेज, ये फुल स्टॉप गलत है, मिस्टर मुर्गन हैज बीन इन दिस कॉलेज, हैज बीन के साथ आपको पता ही है परफेक्ट टाइम अगर आता है, फिक्स टाइम, फिक्स्ड डिटेल आती है, डिस्क्रिप्शन आता है टाइम का, फिक्स्ड डिस्क्रिप्शन की कब से, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड नहीं, स्टार्टिंग पॉइंट, 2010 के पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम में हमेशा क्या आता है दोस्तों, सिंस आता है, और इसीलिए हम यहां पर सिंस लगाएंगे, सिंस 2010, सही जवाब हमारा बी फॉर बॉम्बे। वी अटेंडेड अ डैश डिस्कोर्स का मतलब होता है भाषण, कथा, प्रसंग, प्रवचन, कोर्स कैसा, स्पिरिचुअस, स्पिरिचुअलिटी नाउन है, स्पिरिचुअली एडवर्ब है, स्पिरिचुअल एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है क्योंकि डिस्कोर्स आपका क्या है, नाउन है, इसीलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं। वी अटेंडेड अ स्पिरिचुअल डिस्कोर्स, एम आई राइट, ये एडजेक्टिव बन गया प्लस ये नाउन बन गया, सही जवाब आपका ए फॉर अहमदाबाद। द वैली इज नोन फॉर इट्स डैश ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन, Noun, noun, adjective, adverb तो वैसे भी नहीं आएगा क्योंकि growth क्या है, noun है, right, ये adjective भी है, ध्यान रखना अगर इसको adjective में convert करें तो adjective भी बनता है, बहुत से adjective noun और noun से adjective बनता है, इसीलिए उनको pure language में adjectival nouns भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर आएगा luxurious, लग्जूरियस, सही जवाब है ए फॉर अहमदाबाद। द मोर ही रिमोन्स्ट्रेटेड द रेफरी द वर्स द सिचुएशन बिकेम, राइट, गुस्से करके तर्क वितर्क करना, इशारे करना, यू नो, वाद विवाद करना, इसको रिमोन्स्ट्रेटेड कहते हैं, एड आएगा, राइट, रिमोन्स्ट्रेटेड एट द रेफरी द वर्स द सिचुएशन बिकेम, राइट, सही जवाब है ए फॉर
अहमदाबाद। ठीक है दोस्तों, आवर टीचर एनकरेज सेटिंग। यहां एक और चीज सीख लो आप, द वर्स सीडी में है, और ये भी देखो द मोर सीडी में है ना। एक वाक्य में द का प्रयोग सीडी के साथ होता है, तो उसी वाक्य में दूसरे हिस्से में भी द प्लस सीडी आता है। और रेफरी से आप है ना जितना ज्यादा रेमोन्स्ट्रेट करोगे, उलझोगे, वाद विवाद करोगे, है ना, आपत्ति जाहिर करोगे, उतना ही उतना ही आपको परिस्थिति को खराब झेलना पड़ेगा। आवर टीचर एंकरेज डैश सेटिंग द पॉइंट टू म्यूजिक। सेटिंग यहां पे क्या है, जीरेंड है। जीरेंड से पहले क्या आता है, उत्तर पॉजिटिव आता है। चारों में से पॉजिटिव कौन सा है, ये है। ये ऑब्जेक्टिव है, ये सब्जेक्टिव है, ये कॉन्ट्रैक्टेड वर्बल प्रोनाउन है, कुछ नहीं, हिज सेटिंग। राइट, सही जवाब आपका दोस्तों ए फॉर अहमदाबाद। वी वुड नॉट हैव बीन सक्सेसफुल इन दिस प्रोजेक्ट बट डैश फॉर माय हेल्प। बट फॉर दोस्तों, बट फॉर एक कंजंक्शन का काम करता है जिसका अर्थ है प्रीपोजिशन में विदाउट। Without my help, he would not have been successful in the project without my help. और without का एक और नाम क्या है, is equal to but for। ये conditional sentence में हम लोग पढ़ाते हैं, कभी पढ़ाऊंगा आपको, तो for आ जाएगा, तो सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, C for चंडीगढ़। Internet cafe owners fear that a police crackdown might may cause damage, अपूर्णीय क्षति, irreparable damage। इरिपेरेबल क्यों बोल रहा हूं, अपूर्णीय यानी कि जो दोबारा से रिपेयर नहीं हो सकती, ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी यहां पर फियर दैट, राइट, डर है, तो डर है तो ये भयंकर क्षति, और कैसी क्षति, अपूर्णीय, जिसको पूरा न किया जा सके। ठीक है, अपूर्णीय क्षति है ना। सही जवाब क्या हो गया दोस्तों, सी फॉर चंडीगढ़। लास्ट क्वेश्चन, वी हर्ड दैट द रिचर्ड्स रिसेंटली की वजह से हमें पता है कि ये प्रेजेंट है, और चूंकि घर छोड़ के चले गए हैं, अब बाकी कुछ नहीं रहा, तो ये परफेक्ट भी हो गया। रिचर्ड्स जो है पूरा का पूरा परिवार बहुवचन में है, प्लूरल में, तो यहां पर हैव आ जाएगा थर्ड फॉर्म में आ जाएगा have shifted। इसका मतलब सही जवाब क्या हो गया दोस्तों, बी फॉर बॉम्बे, द रिचर्ड्स हैव शिफ्टेड। थैंक यू वेरी मच, इसको भूलना नहीं है आपको। आज मेरा सेशन है 3 बजे, एग्जैक्टली 3 बजे, जहां मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, आर्टिकल पढ़ाऊंगा 3 PM पे अनअकैडमी पे, और इसमें मुझे 100 लाइव्स चाहिए ही चाहिए, 100 व्यूज लाइव चाहिए, 100 व्यूज, कितने 100 व्यूज मुझे लाइव चाहिए। अगर ये हो गए तो मंडे से मेरा वादा है मैं ये शुरू कर दूंगा, नहीं ये कभी नहीं पढ़ाऊंगा। ये आपको बहुत काम किया है, 72 रूल्स में इंग्लिश काम किया है ना। मेरे अनअकैडमी के जो फॉलो कर रहे हो मुझे, जो मुझे देखते हो, वो प्लीज शेयर करो उसको, और एक एक बंदा दो दो तीन तीन व्यूवर्स लेकर के आओ, ऐप को इंस्टॉल करने बोलो, और ऐप इंस्टॉल के बाद उनको ये बोलो कि अगर तेरे को भरोसा नहीं है, उनको ऐसे बोलो आप अपनी तरफ से कि अगर तुझे भरोसा नहीं है तो तू 72 रूल्स वाले ये जो है ना ये होने के बाद चाहे अनइंस्टॉल कर देना, लेकिन सुनील सर के 72 रूल जो है ना 12 सेशन में, डेली के 6 रूल्स प्लस एग्जांपल्स प्लस एक्सरसाइज, आपको पता है मैं डेली एग्जांपल के साथ में एक्सरसाइज भी करवाता हूँ, और एक्सरसाइज के साथ में मैं आपको डेली एग्जाम्पल भी देता हूँ, तो आपको यहाँ प्रेजेंट रहना है। थैंक यू वेरी मच, मेरे साथ आप जुड़े रहे, ठीक है, 3 बजे इंतजार करें, फिर क्लास जल्दी रैप करूंगा, फिर 4 बजे आप वो देख लेना है ना सेशन, ठीक है, एनडीए वाला, ताकि 5:30 के लाइव टेस्ट के लिए आप रेडी हो जाओ। ओके, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी, लव यू ऑल, बाय बाय।